कोरोना काल की शुरुआत पिछले काफी समय से हो चुकी है। देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत असर पड़ा है, आम आदमी ग्रस्त माना जा रहा है, महंगाई जो है कमर तोड़ रही है, वहीं पेट्रोल व डीजल के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं। आम आदमी को किस तरह से ये दाम प्रभावित कर रहे हैं आपको तस्वीरों में तो दिखाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने विकल्प लाया है कि अगर आप व्हीकल इस्तेमाल नहीं करते हैं, मोटर व्हीकल इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आप किस तरह से अब विकल्प जो है कांग्रेस सुझा रही है देश की जनता को, यानी कि इस तरह से जो पिछले काफी सालों से जब तमाम गाड़ियां नहीं आई थी और पेट्रोल डीजल नहीं होता था, तो पुराने जो युग में समय में इस तरह से घोड़े का इस्तेमाल किया जाता था, घोड़ा गाड़ी बनाई जाती थी और घोड़ा गाड़ी बनाते हुए ये कहा जाता था कि हाँ अब इससे एक जगह से दूसरी जगह पर सफर कीजिए। लेकिन ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं तंज जो है कस रही है केंद्र सरकार पर कि देश आगे बढ़ने की बात कर रहा है, लेकिन पेट्रोल व डीजल के दाम से किस तरह से देश जो है वो पीछे जा रहा है और किस तरह से देश जो है पीछे जाते हुए अब यहाँ पर सवाल निशान। आप क्या पुराने समय की बात कर रहे हैं कि देश आगे बढ़ते बढ़ते अब पीछे जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये 70 साल की बात करते हैं, ये हमें 100 साल पीछे लेने का इन्होंने प्लान बना दिया है। आज वोट नौबत आ गई है, ना आम आदमी की जेब में पैसा है, ना पेट में कोई राशन है, और ये हर रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं। आम आदमी ये गाड़ी को कैसे अफोर्ड करेगा? आपको लगता है केंद्र सरकार को अब ये विकल्प पसंद आएगा या इस पर भी सियासत होगी? नहीं, वो सियासत कर रहे हैं, हर मुद्दे पे सियासत कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो रहा है वो सियासत कर रहे हैं। हम लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, उनको सियासत नजर आएगी। कांग्रेस कहीं ना कहीं अब अपना किरदार निभा रही है विपक्ष का, तमाम मुद्दों को भुला। कांग्रेस तो हमेशा आम लोगों की आवाज़ उठाती है, हम उद्योगपतियों की बात नहीं करते, हम गरीब लोगों की बात करते हैं और गरीब लोगों की बात सेंट्रल गवर्नमेंट को पसंद नहीं है। हाल ही में जब चुनाव हुए थे तो यहाँ पर राहुल गांधी ने कहा था गरीबी परिवार 72,000, ये घोड़ा गाड़ी आपको तस्वीरों में नजर आ रही है किस तरह से तमाम व्हीकल्स का विकल्प है, यानी कि अल्टरनेट जो है वो निकाला गया है। और यहाँ पर तमाम अगर हम कहें तो लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस के झंडे यहाँ पर लगाते हुए ये बहुत बड़ा सा तंज जो है कसा गया है केंद्र सरकार पर। और यहाँ पर अगर हम आपको बताएं तो प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करते हैं, इनसे बात करेंगे। केंद्र सरकार समझे कि आपने तो अल्टरनेट दे दिया घोड़ा गाड़ी, क्यों लूटना चाहती है? और ये जो इस टाइम जो हमारी इकोनॉमी, हमारे बिजनेस, चले आम आदमी अपने पांव पे खड़ा। यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, ये पेट्रोल और डीजल की जो कीमत है उसमें बढ़ोतरी हुई है और इनका यही कहना है कि पेट्रोल व डीजल के दाम जो है वो कम करें, और पेट्रोल व डीजल के दाम जो है उसकी बढ़ोतरी हर दिन हो रही है। पिछले काफी दिनों से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, अर्थव्यवस्था डगमगाई है, लोग कारोबार की बात की जाए तो कारोबार भी उस प्रकार नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने सुझाया है। और सर एक सवाल है मेरा आपसे, आपको लग रहा है कि ये आपने विकल्प दे दिया केंद्र सरकार को कि आप आगे लेकर जा रहे थे लेकिन हम पीछे आ रहे हैं? हाँ, सरकार लोगों ने चुनी थी, देश को आगे ले जाने के लिए। खुशी जी एमएलए हमारे, प्लीज प्रोटेस्ट है। हाँ, इन लोग हमारे जम्मू के लोगों ने, पूरे देश के लोगों ने ये सरकार चुनी थी कि देश को आगे तरक्की पे ले जाएं, मगर ये जो सरकार है ये अपने घमंड में इतनी चूर हो चुकी है कि इनको ये नहीं दिख रहा है कि COVID-19 से जनता ऑलरेडी पिस रही है, हमारे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट सारे बंद हो चुके हैं, हमारे ट्रांसपोर्ट सारी बंद हो चुकी है, उसके बावजूद भी इन्होंने पेट्रोल के डे बाय डे आज 16 दिन हो गया इन्होंने रेट बढ़ाते जा रहे हैं, और ये आम जनता और गरीब लोगों का ये खून चूस रहे हैं। विकल्प जो दे रहे हैं केंद्र सरकार, मानेंगे आप तो घोड़ा गाड़ी तक आ जाएंगे? ये तो है सियासत होगी कि कांग्रेस कुछ नहीं चाहती है, कांग्रेस सियासत चाहती है। देखो, जम्मू की ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑलरेडी बंद है, ऊपर से पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ चुकी है, लोगों को अपनी घर से अपनी गाड़ियां निकालना मुश्किल हो रहा है, और हमारा जो पुराना ऑप्शन था घोड़ा गाड़ी, हम उसी को अडॉप्ट करने जा रहे हैं। चलिए, साफ तौर पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस जो है यहाँ पर केंद्र सरकार पर तंज जो है कस रही है, और यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। मैम,
किस प्रकार समझा रही है प्रधानमंत्री को कि अब समय जो है पीछे जा रहा है? ये जो हमारी अर्थव्यवस्था है COVID-19 की उत्ते तो बहुत ज़्यादा पीछे जा रही है, इसका बहुत ज़्यादा असर कई सालों तक रहेगा। हमारा ये अभी 2-4 साल में नहीं ये खत्म होने वाला, ये कई सालों तक जाएगा। ये हमारी अर्थव्यवस्था को और डाउन कर रहे हैं। ये जब आपके पता है कि कच्चे तेलों की कीमत इतनी कम हो गई थी, बीच में लॉकडाउन की वजह से गाड़ियाँ नहीं चली, यहाँ तक कि दुनिया भर में कहीं गाड़ी नहीं चली, उसके हिसाब से उन्होंने देखा ही कि हम उसके दिन ब दिन आप चाहते थे कि बढ़ोतरी की जगह कमी आए, लेकिन बल्कि वो कमी बढ़ रही है। अब दिन ब दिन डे बाई डे हर चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है। हर जगह देखो, हर कोई कुछ भी सामान लेने जाओ, अब बोल तो निकलना नहीं, लेकिन कोई भी राशन पानी भी लेने जाओ उसमें भी बढ़ोतरी है। कहाँ कहाँ एडजस्ट करेंगे? आम आदमी की कमर टूट रही है महंगाई, आम आदमी की कमर टूट रही है, वो कहाँ से करेगा पूरा? अच्छा मैम, हाल ही में गैस सिलेंडर के दाम में भी वृद्धि हुई थी, तो गृहिणी होने के नाते कितना असर पड़ा है किचन के पास? बहुत बुरा असर पड़ा है मैम। एक महिला कहाँ कहाँ एडजस्ट करेगी, और हर चीज़ में दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि इतना लॉकडाउन के बाद चलते भी, COVID-19 के चलते भी, हर चीज़ का दाम इन्होंने इतना लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी मैम? बहुत बुरी हालत है। आपको लग रहा है ये घोड़ा आपकी सियासत का घोड़ा दौड़ा पाएगा? उम्मीद तो है। अगर सुने तो ज्यादा अच्छी बात है, उनको भी कान में से अपनी कहीं ना कहीं भाजपा आप पर तंज कसती है कि राजनीति बहुत करते हैं और 70 सालों में लूटा है। देखिए एक मिनट, आप बात करेंगी? सत्तर सालों में क्या नहीं बना आप बताइए, कितने हॉस्पिटल्स, कितनी यूनिवर्सिटीज, कितने बनाया, ये 5-6 सालों में क्या बनाया आप बताइए, क्या बनाया उन्होंने? एक जगह का भी बता दे, इनोग्रेशन करने से नहीं हो जाता कि सारा 70 सालों की योजनाएं आपके उद्घाटन? भाई बिल्कुल यही हम कह रहे थे आपको, मैं कुछ और उदाहरण देती, लेकिन ये आपने ठीक कहा कि जो योजनाएं थी कांग्रेस सरकार की, उसके बाद उन्होंने जो जवाब दिए, उन्होंने इसको बस झंडे भरा दिए कि गाड़ी दौड़ा दी तो हमने किया, ये किया तो उन्होंने इनॉग्रेशन कर दी तो मैंने किया, वो नाम हो रहा है उनका। साफ तौर पर केंद्र सरकार समय समय पर तंज कसती है, और केंद्र सरकार समय समय पर ये कहती है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार जो है, जो पिछली सरकारें रही है जिसमें कांग्रेस दावेदारी कर रही है, और अभी भी नारेबाजी जो है यहाँ पर की जा रही है। और आपको मैं सीधी तस्वीरें दिखा रही हूँ कि किस तरह से केंद्र सरकार के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, और पीछे तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो तंज कसा और सीधे तौर पर एक निशाना साधा है केंद्र सरकार पर कि पेट्रोल व डीजल के दामों में बढ़ोतरी आम आदमी की जेब पर बहुत असर करेगी, जिसमें सरकार जो है अब संज्ञान ले और कहीं ना कहीं सोच विचार करें कि भारत की जनता किस तरह से ग्रस्त मानी जा रही है महंगाई के इस दौर में। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।